ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है वो यामा का स्पेयर, 0.25 mm का गैप है इसमें दोस्तों, 6 प्लेट है, पिकअप एक नंबर का हो गया दोस्तों। Hey guys, welcome back to my channel. My name is Sarfaraz और आप देख रहे हैं मदर इंटेक्ट। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को अपनी बाइक पल्सर 150 में पल्सर 180 या 220 की क्लच असेंबली इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने अपनी बाइक में पल्सर 180 या 220 की क्लच असेंबली को इंस्टॉल किया था, बट उसमें मैंने एक गलती कर दी थी, एक्चुअली एक नहीं मैंने 3 गलतियां करी थी। तो इस बार जो मैं वीडियो लेकर आया उसमें मैंने कोई गलती नहीं करी है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपनी पल्सर 150 या पल्सर 180 या 220 की क्लच असेंबली को इंस्टॉल किया है। ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियोस लेकर के आता रहता हूं जो सबसे अलग होती है, बिल्कुल हटके होती है, सबसे यूनिक होती है, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में करता हूं। और एक चीज और दोस्तों, मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूं उसमें अपनी बाइक के हैंडल बार को स्पोर्ट लुक देने वाला हूं, और उसके लिए मैं हैंडल बार का स्पेयर भी मंगा चुका हूं, तो मैं आप लोग को सिर्फ एक झलक उसकी दिखला देता हूं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है वो यामा का स्पेयर, अभी मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, तो इसकी अनबॉक्सिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ओके, अभी इसको रखते हैं साइड में, तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी लेकर आऊंगा मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी मैं अपनी ये मॉडिफिकेशन आपके सामने लेके आऊं। ओके, हो सकता है दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो वीडियो को पूरा देखना, कहीं भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपको प्रोसेस समझ में नहीं आएगा, और जो मैंने चेंजेस किए हैं, जो मैंने बदलाव किए हैं, वो सारी चीजों को मैंने अपने इसमें दिखाया हुआ है। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें। दोस्तों आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं हर बार कुछ नया सोचने की कोशिश करता हूँ, कुछ नया लाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मेरी वीडियो थोड़ी लेट जरूर हो जाती है, लेकिन मैं लेकर के कुछ ना कुछ बिल्कुल ही हटके लेकर के आता हूँ, कुछ नया लेकर के आता हूँ, क्योंकि ये इंजन मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है, तो इसको आप अच्छे से समझें और चीज़ों को समझने के बाद ही आप अपनी बाइक में इस चीज़ को अप्लाई करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी मैं अपनी बाइक को लगभग 5 किलोमीटर राइड करके आया हूँ। ओके, तो मुझे कुछ स्मोक वगैरह तो फील नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन हीट बहुत तेज फील हो रही है। अब मैं इसका जब ऑयल ड्रेन करूँगा, ऑयल निकालूंगा, तो बिल्कुल पतला निकलेगा, पानी की तरह से बह के निकल रहा है, ये देखिए। ओके, इसकी थिकनेस भी बिल्कुल चिकनाहट भी, इसमें ल्यूब्रिकेशन नाम की जैसे कोई चीज़ ही नहीं है, पानी की तरह से टप 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 लग रहा है। ओके, उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने ये जो 8 नंबर के सारे नट हैं इनको लूज कर लेते हैं। तो देख सकते हो ये 12 नट हमने खोल लिए, इसके चैम्बर को आराम से बाहर खींचेंगे, ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए जो अपनी क्लच हाउसिंग है, इस क्लच हाउसिंग में यहाँ पे लगभग 0.25 mm का गैप है। इसी गैप को देखते हुए मैं इसमें पल्सर 180 का और पल्सर 220 का क्लच की जो क्लच असेंबली है वो उसको मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। इस पार्ट को जब भी आप खोलोगे तो इसमें आपको अपने इंजन के जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं वो सारे इसमें आपको जमा हुआ मिलेंगे। देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर का जो नट होता है उस नट को खोलने के लिए अपने को इस टूल की जरूरत पड़ेगी। ये टूल अपन यहाँ पर लगाएंगे कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हो। इसके अंदर भी दोस्तों एक वॉशर होती है, बड़े ध्यान से इसको खींच लेते हैं, ये देखिए। अब अपने को ये बीच वाला नट खोलना है, ये उल्टा होता है दोस्तों। इसके साथ में अपने को मिलता है एक वॉशर, ये रहा वो वॉशर। इसमें देखिए 5 क्लच प्लेट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5। दोस्तों देख सकते हो ये अपनी पल्सर 180 और 220 की क्लच असेंबली का पूरा पैक। ओके, इसका पार्ट नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, DK101563। ओके, और इसका MRP है 1607 रुपये, बट ये मुझे मिला है 1370 रुपये। तो अब मैं दिखा देता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग, हालांकि इसकी अनबॉक्सिंग मैं आपको पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ। ये देखिए इसमें दोस्तों 6 प्लेटें हैं, देख सकते हो आप लोग, मैं गिन के दिखाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें दोस्तों 6 प्लेटें हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इसमें से जडर की जो रिंग थी वो रिमूव कर दी थी दोस्तों। एक्चुअली में जडर रिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपने इस इंजन में। इसके अंदर जो जडर रिंग होती है वो दो जो छोटी छोटी रिंग आपने देखी होंगी जो होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। उसके बाद का जो आगे का प्रोसेस मैं रिकॉर्ड कर रहा था वो पता नहीं किस वजह से रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे ये अलग से एक पार्ट बनाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये मेरी क्लच असेंबली 17-11
19 की है, ओके आप देख सकते हैं 17, 11, 19 और इसमें 5 क्लच प्लेट है, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। तो एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो के टाइम पर इसमें अपनी बाइक में पल्सर 180 और 220 की क्लच असेंबली को इंस्टॉल किया था, तो उसमें मैंने एक गलती करी थी। जो गलती मैंने करी थी वो मैं आप लोगों को फटाफट से इसको खोल के दिखा देता हूं। ओके, ये क्लच का हब है और ये क्लच सेंटर है, ओके ये वाला ये क्लच सेंटर है। तो मैंने एक्चुअली क्या किया था, जब मैंने पल्सर 180 की क्लच असेंबली को अपनी बाइक में इंस्टॉल किया था और उसके बाद जब मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आने लगी, तो मैंने वापसी से पल्सर 150 का ही अपना यही वाला ही दोबारा से इंस्टॉल कर दिया था अपनी बाइक में। लेकिन मैंने जो क्लच प्लेटें थी, जो पल्सर 180 की क्लच प्लेटें थी, उसमें से 5 क्लच प्लेटें और 4 प्रेशर प्लेटें मैंने अपनी इस पुरानी वाली असेंबली में इंस्टॉल कर दिया था। ओके, और उसके बाद में अब जब मैंने दोबारा से ये वीडियो बनाई है, तो इसी में से ये देखिए इस तरीके से है ना, ये निकाल लिया हमने, ये हो गया अपना सेंटर आउट और ये हो गया हब और क्लच प्लेट। तो इसमें से मैंने अपनी ये सारी असेंबली इस तरह से उठा करके, इस तरह से निकाल करके अपनी पल्सर 180 वाली क्लच असेंबली में इंस्टॉल कर दिया। ओके, मैंने गलती कौन सी करी थी मैं वो आपको बता देता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये दो रिंग, अपनी लास्ट वीडियो में जो सबसे बड़ी गलती करी थी वो ये करी थी कि मैंने ये दोनों जड़ रिंग अपनी इस क्लच असेंबली में से, पल्सर 180 की क्लच असेंबली में से ये हटा दी थी। ओके, और साथ में ये जो हाफ क्लच देख रहे हैं आप, ये हाफ क्लच है और ये जड़ रिंग हटा करके इसकी जगह पर सीधे सीधे मैंने एक क्लच प्लेट इंस्टॉल कर दिया था। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने की थी, बट कामयाब नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो दोबारा बनानी पड़ी और इसीलिए ही मैंने ये क्लच की जो है ये असेंबली इस तरीके से वापस से इसी तरीके से पल्सर 180 वाली इसी तरीके से बनाई। एक चीज मेरे को और बतानी है दोस्तों, ये देखिए FCI, तो जो क्लच प्लेटें होती हैं दोस्तों वो FCI कंपनी की है और जो ये सेंटर है, ये हब है, ये हब FCC कंपनी का। और सबसे पहले जड़ रिंग कैसे इंस्टॉल करना है, इसमें ना दो तरह की जड़ रिंग आप देख सकते हो, एक थोड़ी सी टेपर है, टेपर इन द सेंस अंदर की साइड है, और एक बिल्कुल फ्लैट है। तो फ्लैट वाली सबसे नीचे जाएगी इस हब में। ओके, ये अपना सेंटर है, ये हब है, और ये वाली रिंग ये देख सकते हो आप थोड़ी सी टेपर है, तो ये जो उठा हुआ ऊपर का भाग है ना, ये इस तरीके से ऊपर का हिस्सा ऊपरी और दबा हुआ अंदर की साइड है, तो इसको हम इस तरीके से इसमें डालेंगे, ठीक है, ताकि किनारी अपनी थोड़ा सा गैप आए, ये देखो इन दोनों में गैप आए। अब उसके बाद अपनी ये हाफ क्लच डालेंगे, हाफ क्लच भी अपने को डालना है ना, तो ये जो FCI लिखा हुआ है ये इस तरीके से इस साइड जाना चाहिए दोस्तों, नीचे की तरफ, ठीक है। इसके बाद अपन डालेंगे एक प्रेशर प्लेट, तो प्रेशर प्लेट सबसे पहले आपको जड़र रिंग वाली प्रेशर प्लेट पे आपको ये लाइनिंग दिख जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये अटैच होगी जड़र रिंग से, तो जड़र रिंग पे आपको एक लाइनिंग वाली प्रेशर प्लेट दिख जाएगी, देख सकते हैं आप लोग इस पे लाइनिंग सी है, तो ये लाइनिंग हमें बताएगी कि उल्टा और सीधा क्या है, इसमें भी सीधा और उल्टा होता है। इस साइड से जब आप इसको छूओगे तो प्लेन सा फील होगा, बिल्कुल ही प्लेन टाइप का, और एक लाइनिंग मिलेगी आपको। वहीं इस साइड से जब आप इसको टच करोगे तो इधर आपको ऐसा लगेगा जैसे धार सा है, कुछ हाथ में टच होगा धार टाइप का, तो इसको धार वाले को ऊपर रखना है, ऊपर की साइड आना चाहिए, और ये प्लेन वाला अंदर की साइड जाना चाहिए इस तरीके से, ये देखिए ठीक। सबसे पहले अपने को इसके बीच का वो नट और वाशर लगाना है, तो ये लगा लिया अपना नट वाशर, ओके, और ये लगा लेते हैं अपन नट उल्टा। अब हम इसको टाइट कर लेते हैं अपने को, ये वाले अपने नए 5 स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग का आप आउटसाइड देख रहे हैं ना, ये दिखना नहीं चाहिए, तो इसको जब आप टाइट करोगे तो इसको बिल्कुल सेट करते हुए ही टाइट करना है। ओके, ये देखिए, तो फाइनली दोस्तों मैंने अपने इसमें ये पल्सर 220 की क्लच असेंबली को इंस्टॉल कर दिया, आप देख सकते हो। मेरे बहुत से दोस्तों को ये लगेगा मैंने वापसी से इसमें पल्सर 150 का ही क्लच असेंबली को इंस्टॉल कर दिया, तो मैं उन लोगों को दिखा दूँ, ये देख सकते हो आप लोग डेट इसमें 15/11/21, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पीछे ही आपको दिखाया था कि 15/11/21 की पैकिंग है मेरे पल्सर 220 के क्लच असेंबली का, और ये रही मेरी, मैंने इसको वापस से रिबिल्ड कर लिया है पल्सर 150 की क्लच असेंबली, इसकी मैं डेट दिखा देता हूँ आप, ये देखिए है ना 17/11/2019, इसमें मेरी वो 5 प्लेटें हैं, गिन सकते हो आप 1, 2, 3, 4, 5, ये देख सकते हैं दोस्तों। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, मैंने इसको वेल्ड करवाया था एक, ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो ये भी कामयाब नहीं हुआ मेरा। ओके, तो वो मैंने रिमूव करके अपना ये दूसरा इंस्टॉल कर दिया है, और इसमें भी मैंने एक काम किया हुआ है जिससे कि ये हमेशा ही टाइट रहे। अब हम इसको सेट कर लेते हैं, ओके, वापसी से इसको इसका यहाँ जो फिल्टर वगैरह है जो भी है, इसको मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, तो वो टाइट कर लेते हैं।
है क्लच चैम्बर, इसको आराम से चला गया दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट। मेरी आखिरी और सबसे बड़ी जो गलती थी वो यही थी दोस्तों कि मैंने इंजन ऑयल का ग्रेड सही नहीं डाला था। देख सकते हो दोस्तों ये मोटुल का 71 40 20W50 100% सिंथेटिक। ये देखिए इसकी MRP 915 रुपये है, ओके, बट ये मेरे को मिला है 680 रुपये का, जो कंपनी हमें रिकमेंड करती है SAE 20W50, ओके। अब मैं बता देता हूँ इसके बारे में। एक्चुअली इसमें मैंने क्या किया है, मैंने इसको वापस से अपना पुराना वाला इंस्टॉल किया हुआ है जिसमें वेल्डिंग नहीं है, मतलब था मेरे पास में ऑलरेडी एक पड़ा हुआ, और इसको फुल टाइट करके इसके अंदर ये जो नट देख रहे हैं इसको रिमूव करके उसको फुल टाइट करके इसके अंदर कॉटन का कपड़ा बिल्कुल फुल फिल ठूस के फिल कर दिया है, और उसके बाद में मैंने इसको फिर टाइट कर दिया। इससे क्या होगा वो लूज़ नहीं होगा, ओके। अब चलते हैं इसको चेक करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा चला करके। तो दोस्तों एक छोटा सा राइड में लेकर के आया अपनी बाइक में, परफॉर्मेंस तो मज़ा आ गया, पिकअप एक नंबर का हो गया दोस्तों, ऐसे हो गया जैसे बाइक भागने को फड़फड़ा रही हो, इस तरह से इसका पिकअप हो गया है। पर ज़्यादा लंबा राइड में अभी लेकर नहीं आया हूँ, तो अभी मैं किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आऊँगा कि इंजन हीट हो रहा है या क्या हो रहा है, इसके कंक्लूजन की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। फाइनली दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं श्योर आपको उसका रिप्लाई दूंगा, ओके। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, आपके लाइक बहुत कम आते हैं, तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि इस बार मुझे लाइक बहुत ज़्यादा मिले, व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा मिले, और मुझे इसी तरीके से आप सपोर्ट करें दोस्तों। आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी मैं कुछ नया आपके लिए लेकर आ पाऊंगा, तो सबसे पहले आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में पल्सर 180, जो मैंने अपनी बाइक पल्सर 150 में 180 का हैंडल इंस्टॉल किया है, तो उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करके एक स्पोर्ट लुक देने वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम और नमस्कार।